बना दो हर जगह पे सॉरी और आज हम मुंबई को जितना हो सके उतना साफ करें और हर रोज रखें, उस पर आप ध्यान देना चाहेंगे। ये पकड़ लो एक किसी का हाथ से कर यहाँ पे आए आप लोग भी साफ करो दूर से। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आप जोर से साथ में आए हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अच्छा काम शुरू करते हम लोग घर से शुरू करते हैं, तो आज हम लोग ने घर से लेके यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ईद के लिए प्रयास के लिए आप इसके लिए क्या कहेंगे? हेलो एक दिन में आप साफ ही होने वाला है। ओके आप ये सुपर हीरो एक दिन में हमने पूरा साफ किया है। आसपास वैसे हैं एक दिन में हमने पूरा काफी साफ हुआ है। मैं यहाँ पर जितने भी फाउंडेशन कॉलेजेस आए हैं मैं उन सबका नाम लेना चाहता हूँ। अल नूर सैयद फाउंडेशन, एस पी डी टी कॉलेज, एन एस एस जी ग्रुप फोटो देना एक सर एक मिनट सर सर बुला दे दो मिनट सिर्फ आ जाते हैं एक सर एक सर जल्दी ले लो जो जो ले रहा है भाई जल्दी जल्दी लो बाइट उधर चलिए बाइट उधर है चलो भाई चलो क्या बात है अरे तो जी हम यही कहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आसिफ भामला एंड यू नो भामला फाउंडेशन का पहले तो कंग्रेचुलेट करूँगा क्योंकि जब हम यहाँ पर आते थे पहले तो ये इतना भी नहीं था, तो अभी तो काफ़ी साफ नज़र आ रहा है एंड आई थिंक ये धीरे धीरे कोशिशें करते रहेंगे और ये एक बार या दो बार कई कोशिश नहीं है, ये कंटिन्यूस कोशिश होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि अगर हम ये सफाई रखेंगे तो डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा और डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा तो हेल्दी पॉपुलेशन लोग सबसे ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ करते हैं। जी 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 हालांकि सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैंड भी है लेकिन क्या कर सकते धीरे 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 चीज़ें जो हैं बदलेंगी। हर जब कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है फिर हो जाएगा। पहला कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उठाए थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब उनके कौन से कदम के बारे में बात करना शुरू करें जिसमें हमारे लिए यू नो कोई गर्व की बात ना हो। बट मुझे लगता है कि स्वच्छता एक ऐसा कदम है उनकी तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो पहले
लोग समझते थे कि यार हमारा काम नहीं है, पर आज की डेट में ये एक ऐसी चीज़ होगी कि हर इंसान को स्वच्छता के बारे में पता चल गया कि उससे होता क्या है, यू नो, तो अरे की मूवमेंट बन गई ऑल ओवर इंडिया, तो वो बहुत ज़रूरी था। कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहूँगा कि देखिए, यू नो, आप जिस जिस शहर में रह रहे हैं, सिर्फ अपने घर को सिर्फ घर नहीं मानना है, आप अपने शहर को, अपने यू नो, अपनी कम्युनिटी को भी घर मानिए और उसको भी साफ रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये एक्चुअली हीरो है। चलो आप रहो, आप लोग फ्रेम में, आप लोगों को फ्रेम में रहना चाहिए। हम लोग हीरो नहीं, आप लोग हीरो। आप लोग जिस तरीके से सुबह आप लोग काम करते हो, सुबह सुबह उठ के मैं देखता हूँ, एक्चुअली ये लोग हीरो है यार। हमसे पहले ये उठते हैं और काम करते हैं। आई थिंक हम लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, तब जाके हमारा देश साफ होगा। खाली थैली फेंकना मना कर दो, बोल दो बस, और कुछ नहीं, प्लास्टिक फेंकना मना कर दो। प्लास्टिक ना, देखिए ये एक्चुअली इनसे समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है प्लास्टिक का, बस बैग उसको निकालना भी बहुत तकलीफ होती है, उसको निकालना पड़ता है। वही बिल्कुल नहीं, अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो, आपको मैं नंबर देता हूँ, प्लीज़। हमारे एक सैटरडे संडे हम लोग प्लान करेंगे, सब अपने दोस्त, हम सब लोग आएंगे और ऐसे ही साहब आपको हेल्प करेंगे। नहीं, हर सैटरडे संडे पुनीत अपने ही आ रहे हैं, अश्विन सर आ रहे हैं। अच्छा अश्विन सर आ रहे हैं संडे। हाँ, अरे वाह वाह, अश्विन सर आ रहे हैं, अश्विन टीम भी आते हैं। वही अश्विन सर, अश्विन का हम लोग रहते हैं। अरे वाह वाह, कोऑर्डिनेशन के लिए आप यहाँ पे, ये मत करो ऐसा, उठाओ ये ऐसा करो ऐसा, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए गए थे अभी माइन बीच में, हर जगह हम लोग चलते हैं, हम लोग आज चलते हैं। आपका नाम क्या है? केशु। केशु आपका? नागराज। प्रमोद। ये सभी लोग एक्चुअल हीरो यार, मुझे एक्चुअली इनके साथ आज मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था तो आप ये वॉक नहीं कर सकते थे, यहाँ पे बिल्कुल वॉक करने की जगह नहीं होती थी, कचरा लोगों को लगता था ये कचरा की वाली जगह है जहाँ पे कचरा फेंको। आज बहुत लोगों में एक अवेयरनेस आ गया और आने ज़रूरी है, लेकिन साफ का जो आप देख रहे हो ये इन लोगों की वजह से है। और पॉलीथीन पन्नी है ना, वो सबसे डेंजरस है, बिल्कुल मत फेंको, ना ही यूज़ करो। प्राइम मिनिस्टर भी पहला कदम उठाए थे इसके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी ने आज से 10 साल पहले जब स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्ट किया था, आई थिंक वहाँ से भी बहुत अवेयरनेस हुआ है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, तब ऐसा लगा था कि ये क्या होता है कि साफ़ सफाई करना सबसे बड़ा अभियान है, बट ये बहुत ज़रूरी है। आप हम सभी घर को साफ रखते लेकिन बाहर को साफ नहीं रखते, लेकिन बीमारियाँ होती हैं वहाँ से, डेंगू मलेरिया, बहुत सारी बीमारियाँ। आओ आओ, ये है यार, इनको दिखाओ, तो वो सब होती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अगर साफ़ सफाई रखें तो आपका सोच भी बहुत अच्छा हो जाता है, हर चीज़ बदल जाता है। आई थिंक फ्यूचर जो है हमारे बच्चे हैं, उनको सिखाना, उनके फ्यूचर के लिए ये सबसे पहली चीज़ है। आई थिंक मोदी जी ने बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव आज से 10 साल पहले लिया था और अब बहुत बदलाव हुआ है। मैं सभी फैंस को, सभी देखने वालों को यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ मत करें, ना फेंकें, कचरा को बिल्कुल बाहर ना फेंकें, जहाँ पे जगह फेंकने वाली वहाँ पे फेंकें। अगर कोई फेंक रहा है तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार से, हंसी से आपको, आप मुस्कुराते हुए समझाएंगे तो वो समझेंगे। तो आई थिंक वो करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक अ ईयरली थिंग और 6 महीने वाली थिंग, रेगुलर करते हैं ये लोग। एक साल में लोग 450 इवेंट करते हैं इसी तरह के। और रही बात BMC की, जिस तरह से मुंबई है, और मुंबई इट्स लाइक सबको पता है यहाँ का पॉपुलेशन और कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं एवरी डे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस सिटी क्लीन, बट BMC डूइंग अमेजिंग जॉब। बहुत ही क्रेजी काम है उनका और बहुत मुश्किल काम है, और जिस तरह मुंबई को उन्होंने रखा हुआ है, मुंबई लोग इसी वजह से मुंबई नहीं आते, मुंबई बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक है, तो घूमने लायक भाई ये लोग वही बनाते हमारे BMC वाले लोग। तो इनको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ में एज अ सिटीज़न और एज अ टूरिस्ट अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो हमारी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनका काम मुश्किल ना करें। तो प्लीज़ रास्ते पे जो हम कचरा फेंकते हैं इधर उधर, जब हम मोस्टली टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, कुछ खा के ग्लास फेंक दिया, पानी की बॉटल फेंक दी, वेफर चिप्स जो भी है, हमें अगर इसका ख्याल रख लिया ना, हम हमारी साइड से अगर हर इंसान, जितने भी टूरिस्ट है या रहने वाले लोग हैं, सिर्फ ये एक चीज़ का ख्याल रख लेना तो बहुत बेहतर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जाके तुम बस बीच ही क्लीन करने लगो, यही करने लगो अपना काम धंधा छोड़ के, नहीं, थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव, किसी को लगेगा यार मेरे एक बॉटल फेंकने से थोड़ी ना पर्यावरण बच जाएगा, बट ये मेंटालिटी चेंज इसी तभी होगी जब एक इंसान करना शुरू करेगा, एंड इसी तरह कहीं ना कहीं हम पहुँच जाएंगे। एटलीस्ट हम लोग 10% तो कर सकते हैं,
और हम लोग यही प्रण ले कि भाई हम लोग रोज़ अगर हम एक भी किसी इंसान को देखेंगे कचरा डालते हुए, उसे झगड़ा करने की बजाय हम वो कचरा उठा के उसकी जगह पे पहुंचा दे, उस इंसान को वो रिक्वेस्ट कर दे, तो इसी तरह इट कैन बी क्लीन, हम हमारे दिल भी साफ़ होंगे और सिटी भी क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच। स्वच्छता ही सेवा, भाई सच में हाइजीन जो है वो अपने आप में सारे रिलीजन में भी कहा जाता है कि हाइजीन इंसान का बहुत ज़रूरी है, और सच में हाइजीन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये जो सिटी है हमारा, वो हमारा घर है, जैसे ये बॉडी हमारा, हम सिटी एक घर है, ऐसा नहीं हम घर में ही रहते, हम सिटी के हर हिस्से में जाते हैं, कभी काम के सिलसिले में, कभी घूमने, तो काइंड ऑफ ये हमारा घर है और हमें इसको क्लीन रखना चाहिए। और यही है जो पहले ही मैंने कहा कि हर एक इंसान को थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, तो ये एकजुट होकर सच में मुंबई दुनिया का सबसे क्लीन और बेस्ट सिटी हो जाएगा।